हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके शीशम स्कूल कक्षा तीसरी की अध्यापिका। आज हम हिंदी आरंभ पाठमाला में करेंगे पाठ नंबर तीन है हमारा, छोटी छोटी बातें। पहला दृश्य, छोटी बच्ची लेटी हुई है। उसकी माँ लगातार डॉक्टर को फ़ोन मिला रही है। फ़ोन बार बार व्यस्त जा रहा है। एक छोटी बच्ची बिस्तर में लेटी हुई है और उसकी माँ बार बार डॉक्टर को फ़ोन मिला रही है और फ़ोन उसका बिजी जा रहा है। माँ, क्या करूँ, इसका ज्वर मतलब बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर साहब ना जाने किससे फ़ोन पर इतनी लंबी बातें कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं मिल रहा। उसकी माँ क्या सोच रही है कि डॉक्टर साहब का फ़ोन व्यस्त जा रहा है, पता नहीं किससे इतनी लंबी बातें कर रहे हैं जो फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर का बेटा विकास फ़ोन पर बेकार की बातें कर रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर का बेटा किसी अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। विकास, हेलो गौरव, अच्छा हुआ यार तू मिल गया, मैं बहुत बोर हो रहा था। पता है आज मैंने एक फ़िल्म देखी। वह अपने दोस्त को बोल रहा था कि आज तू मिल गया, नहीं तो मैं आज बोर हो रहा था, आज मैंने एक फ़िल्म देखी। माँ, उफ़ फिर व्यस्त, मैं क्या करूँ मेरी प्यारी बेटी। उसकी माँ दोबारा फ़ोन मिलाती है लेकिन फिर भी व्यस्त जा रहा था। सूत्रधार, तो देखा आपने टेलीफोन पर फ़िल्म की बातें, लंबी लंबी बेकार की बातें, इधर फ़ोन व्यस्त है, उधर बेचारी बच्ची बुखार से तड़प रही है, माँ मजबूर है क्योंकि फ़ोन व्यस्त है। आओ जाने कभी ना भूलें छोटी छोटी बड़े पते की ये भाई बातें छोटी छोटी। इसमें बताया गया है कि फ़ोन पे बेकार की बातें, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी काम हो और दूसरा बंदा आपको फ़ोन कर रहा हो और आपका फ़ोन बार बार बिजी जा रहा है। नेक्स्ट है दूसरा दृश्य, राहुल और मानस केले खाते हुए सड़क से गुजर रहे हैं। राहुल ने केले का छिलका अपने पीछे की ओर सड़क पर फेंक दिया। राहुल और मानस केला खा रहे हैं। राहुल ने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। राहुल, मुझे केले बहुत पसंद है। राहुल बोला, मुझे केले बहुत पसंद है। मानस, मुझे भी, जहाँ चाहो छीलो और खा लो, ना धोने का झंझट और ना ही काटने की मुसीबत। तो वो क्या कह रहा है, केला जहाँ चाहे वहाँ खा लो, ना तो उसे धोने की झंझट है और ना ही काटने की। एक बूढ़ा, हाय मैं मरा, मेरी तो कमर टूट गई, यह केले का छिलका किसने यहाँ डाला, मैं तो फिसल गया। हाय, एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जा रहा और वो केले पर उसका पैर पड़ा और वो फिसल गया। सूत्रधार, आपको केले पसंद हैं, खूब खाइए, लेकिन उसके छिलके तो कूड़ेदान में डालिए। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए। इसमें क्या बताया है कि आपको केले खाने हैं, आप खाइए केले, लेकिन उसका जो छिलका है उसको कूड़े में फेंकिए, इधर उधर मत फेंकिए। राहुल ने सड़क पे फेंका तो एक बूढ़ा व्यक्ति उससे गिर गया। आओ जाने कभी ना भूलें बातें छोटी छोटी, बड़े पते की हैं ये भाई बातें छोटी छोटी। छोटी छोटी बातें ही बहुत शिक्षा देती हैं हमें। तीसरा दृश्य, रिया अपने चाचा हिमांशु के साथ अपने दोस्त गर्वित के घर गई। गर्वित, अरे आओ हिमांशु, बहुत दिनों बाद आए। अरे वहाँ रिया भी आई है, बड़ी प्यारी बच्ची है। वो क्या बोलते हैं, गर्वित आओ हिमांशु, बड़े दिनों के बाद आए हैं, रिया उसके साथ गई है। हिमांशु, हाँ इधर से जा रहा था, सोचा तुम्हें भी मिल लूँ। रिया, अंकल जी नमस्ते, छोले खाओ सस्ते। हिमांशु, रिया ऐसे नहीं बोलते, बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। हिमांशु उसको क्या बोलता है, रिया ऐसे नहीं बोलते, बड़ों से बात करने की तमीज़ सीखो। रिया, मैं किताब के सुंदर चित्र देख रही हूँ, किताब के पन्ने फाड़ते हुए। वह किताब के पन्ने फाड़ती है और क्या बोल रही है, मैं किताब में सुंदर चित्र देख रही हूँ। हिमांशु, बेटा तुमने किताब खराब कर दी, किताब नहीं फाड़ते। रिया, अरे यह फूलदान कैसे टूट गया, मैं तो किताब से खेल रही थी। गर्वित, हे भगवान यह फूलदान टूट गया, इसे तो मेरे उड़ीसा वाले चाचा जी लाए थे, वहाँ पे एक फूलदान था और वो टूट गया। और गर्वित क्या बोलता है, ये तो मेरे उड़ीसा वाले चाचा जी लेकर आए थे। सूत्रधार, शरारत करना बुरी बात है, दूसरों के घर जाकर
उनकी चीज़ें तोड़ना छेड़ना भी गलत है। हमें सबसे आदर के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमें बड़ों से आदर से बात करनी चाहिए और किसी के घर पर भी जाकर ना ही कोई तोड़फोड़ करनी चाहिए और ना ही शरारत करनी चाहिए। आओ जाने कभी ना भूलें, बातें छोटी छोटी बड़े पते की हैं ये भाई, बातें छोटी छोटी। हमारी छोटी छोटी बातों में ही बहुत सारी शिक्षा छुपी हुई होती है। आप इस लेसन की रीडिंग कीजिए और इसको समझिए। धन्यवाद।